दोस्तों बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, इतने दुश्मन हो गए हैं दोस्तों कि मत पूछिए। हर जगह देखिए तो दुश्मन ही दुश्मन तैयार रहते हैं दोस्तों। और हाँ, कुछ लोग ये भी हैं दोस्तों, बहुत घमंडी भी हो गए हैं दोस्तों दुश्मन के साथ साथ। बहुत लोग अहंकार और घमंडी, जैसे सोचते हैं ना दोस्तों कि हमारे पास बहुत रुतबा है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पैसे वाले हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, तो दुश्मन इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मेरे को ही बोलते हैं कि मैं घमंडी हूँ, मैं अपने रुतबे पे घमंड करती हूँ, मैं अपने मकान, मेरे मकान है तो मेरे ससुर जी बना के गए, तो क्या क्या लोग दोस्तों सोचते हैं। खैर, बहुत लोग तो कह रहे हैं दोस्तों कि मैं अपने बाप को क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बोलने लायक नहीं हूँ दोस्तों, मैं बहुत लोगों की बात कर रही हूँ, मैं किसी का बात नहीं कर रही दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। निर्मला द ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग, जहाँ भी रहिए मस्त और स्वस्थ रहिए दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं ना दोस्तों कि हम उसको बोल रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम उसको बोल रहे हैं, मगर मैं किसी को बोलती नहीं हूँ दोस्तों। मान लेते हैं मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, तो मैं किसी के बारे में अगर बनाती हूँ तो किसी को तकलीफ क्यों होता है बताइए। आप लोग से मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसी को तकलीफ क्यों होता है दोस्तों। आज है जीतिया का व्रत और आज जीतिया का तैयारी मैंने कल ही पूरा सारा कंप्लीट कर ली थी। देखिए पीछे कपड़ा वपड़ा वगैरह सब धूल डाल ली हूँ, सारा तैयारियाँ कर ली हूँ, बेड वगैरह सब सैर सरियाए हूँ, सब धूल ही डाली थी कल ही दोस्तों। और आज सब बेड वगैरह सरिया करके अच्छे से साफ सफाई कर दी हूँ। अब चल रही हूँ खाना बनाने, और खाना बना करके नहाऊंगी, नहा कर, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, बच्चे को भी, बच्चे लोग खाएंगे और हस्बैंड जी खाएंगे, बस तीन लोग का खाना जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि चार लोग में खाना बनाती नहीं था। और आज कम ही बनाऊंगी इसलिए क्योंकि चार लोग में होता था कि दाल चावल भी खाने का मन करता था, थोड़ा रोटी सब्जी भी खाने का मन करता था। तो आज चल रहे हूँ बस केवल रोटी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग को भी रोटी ही पसंद है और इनको भी, हस्बैंड जी को भी रोटी ही पसंद है। बस मुझे ही रोटी और चावल, दिन में, रात में नहीं, दिन में, रात में मैं नहीं खाती हूँ, दिन में थोड़ा सा चावल खाती हूँ दाल के साथ, ताकि पेट ऐसा लगता है खाली ना लगे, इसलिए शुरू से खाने का आदत है ना दोस्तों। क्योंकि बिहार में रहते थे ना तो तिल्ली वो भुजिया चावल खाती थी, उससे कुछ फैट वगैरह नहीं बढ़ता था, और यहाँ जब से आई हूँ तब से ये चावल खाती हूँ, फैट वगैरह भी बढ़ता है, इसलिए चावल नहीं खाना चाहती हूँ, मगर चावल बिना खाए कहा नहीं जाता है, इसलिए दोस्तों। तो चल रहे हूँ बस सब्जी रोटी बनाऊँगी, सब्जी रोटी बना करके बच्चे लोग को रख, मतलब बच्चे लोग के लिए, इनके लिए रख के तैयारी कर दूँगी। उसके बाद फिर नहाऊँगी, नहा करके उसके बाद जाऊँगी मार्केट, मार्केट से जा रही हूँ कुछ सामान लाने, तो आप लोग को दिखाऊँगी। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहा।